हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फाउंडेशन इंग्लिश की मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपने पूर्ववर्ष इंग्लिश को नहीं पढ़ा है तो इसे सुन लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि यदि सुन लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें हम टिक कह सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट देख लेते हैं, बेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसके पोएट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम बेयर द माइंड इज विदाउट फियर हैज़ बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। सेकंड क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर इज अ वेल नाउन पोएट फ्रॉम, कहाँ के? वेस्ट बंगाल के हैं। कहाँ के हैं ये? वेस्ट बंगाल के हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर, तो 1913 को इनको नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी फेमस वर्क बाय टैगोर, तो गीतांजलि इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये पूछ रहे हैं फेमस वर्क यानी कि प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो गीतांजलि प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय द लाइन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, इसका हो जाएगा टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, निडर और आत्म स्वाभिमानी। अकॉर्डिंग टू टैगोर व्हाट इज मीन्ट बाय द लाइन वेयर नॉलेज इज फ्री, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेयर पीपल आर प्रोवाइडेड एजुकेशन फ्रीली इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट ग्रेड सोशल स्टेटस एंड नेशनैलिटी, यानी कि पंथ जाति और नेशनैलिटी इसके बावजूद स्वतंत्र रूप से शिक्षा मिलना, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टैगोर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर्स टू नैरो माइंडेड थिंकिंग, यानी कि संकीर्ण सोच, इसका सही आंसर हो जाएगा। टैगोर कंपेयर्स अ क्लियर स्ट्रीम टू रीजन, कारण। इन द लाइन वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द वर्ड रेफर्स टू, इसका गॉड हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर टैगोर प्रेस टू गॉड फॉर अनलिफ्टिंग हिज कंट्री मैन, यानी कि अपने देश के लोगों। चैप्टर सेकंड, द हीरो रिटन बाय, किसके द्वारा है? आर के नारायण। हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी? अ हीरो, तो स्वामी इस स्टोरी के नायक थे। द स्टोरी अ हीरो इज रिटन बाय आर के नारायण। एम स्वामीज फादर वांटेड टू टीच हिज सन अ लेसन ऑफ करेज, साहस। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज, स्वामी सदैव किसकी बगल में सोता था? तो ग्रैनी। इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक बेबी, हु सेड दिस? तो फादर। हु टोल्ड द स्टोरीज टू स्वामी एट नाइट, रात में स्वामी को कहानियां कौन सुनाया करता था? तो ग्रैनी। द फादर वांटेड स्वामी टू स्लीप इन हिज, स्वामी के पिताजी कहते थे कि स्वामी उनके ऑफिस रूम में सोए। Who wished that the tiger had not spared the boy? तो स्वामी, यह इच्छा किसने प्रकट की कि शेर ने बालक को नहीं छोड़ा होगा? स्वामी ने। Io something has bitten me. Who said this? तो वैगलर। स्वामी wished that the tiger had not saved the boy. It means शेर ने बालक को नहीं छोड़ा होगा, इसका क्या आशय है? सही हो जाएगा बी, ही डिड नॉट वांट टू वर टू बी अलाइव। आगे चैप्टर थ्री आता है, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। द लेसन ट्रस्ट विथ डेस्टिनी इज अ स्पीच बाय जवाहरलाल नेहरू। हु मेड अ ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, यानी कि किसने बनाया? तो द पीपल ऑफ इंडिया। हु अवोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, यानी कि आधी रात के समय कौन जाग रहा था? इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट ब्रिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अस, यानी कि जिम्मेदारी की भावना कौन लाता है?
तो स्वतंत्रता और शक्ति, फ्रीडम एंड पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट, तो बोथ होगा ए और बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्टिनी, इसमें भी ए और बी होगा। आर डिक्री ऑफ फैट, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइडेड बाय फोर्स एंड आउटसाइड ह्यूमन एजेंसी। सोलेम मीन्स अ थ्री, यानी तीनों। नेक्स्ट आता है लाइक पीस, यानी शांति की तरह। कौन से तीन अविभाज्य भी हम बोल सकते हैं, विच थ्री आर इंडिविजिबल, तो फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी एंड डिजास्टर, यानी स्वतंत्रता, समृद्धि और बुद्धि। व्हाट डज द न्यू स्टार रिप्रेजेंट, इसका हो जाएगा फ्री इंडिया, यानी कि नया तारा क्या दर्शाता है, तो मुक्त भारत को दर्शाता है फ्री इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हु आर द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम अस बाय पॉलिटिकल बाउंड्रीज, इसका हो जाएगा बी, पीपल ऑफ न्यूली फॉर्म्ड कंट्री पाकिस्तान। क्वेश्चंस ए हम दूसरी वीडियो में करवाएंगे, इसमें सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवा रहे हैं। चैप्टर फोर आता है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। फर्स्ट क्वेश्चन है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज रिटन बाय खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी टेल्स द स्टडी ऑफ द ऑथर्स, यानी ग्रैंड मदर, किसके अध्ययन को बताता है, ग्रैंड मदर। द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज ग्रैंड मदर एज ब्यूटिफुल बट नॉट प्रिटी। द ऑथर्स ग्रैंड फादर लुक्ड एज इट, लेखक के दादा दिखते थे। ही हैड मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। Which of the following statement is not true about the author's grandmother, so ugly and old? What did the author and his grandmother give to the village dogs? यानि लेखक और उनकी दादी ने उन्हें क्या दिया, तो स्टेल चपाती। Which of the following was not taught to the author in his school in the city? ऑथर यानी लेखक को क्या नहीं सिखाया गया, तो स्क्रिप्चर्स यानी कि शास्त्र। इन हर लास्ट डेज ग्रैंड मदर वॉज मोस्ट फ्रेंडली विथ बुक्स, हु कैप्ट ब्रीड क्रम्ब्स फॉर द वर्ड्स आफ्टर द ग्रैंड मदर पास्ड अवे, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑथर्स मदर। चैप्टर फाइव आता है द सॉलिटरी रीपर, विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा ये लिखा गया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर इज अ सेंट्रल आइडिया, यानी केंद्रीय भाव भी बोल सकते हैं। वेल संग सॉन्ग गिव अस हैप्पीनेस। इन द पोएम द सॉलिटरी रीपर टू होम डज द पोएट से स्टॉप एंड जेंटली पास टू ऑल पर्सन्स बाय, यानी राहगीरों के लिए, किसके लिए कहता है, राहगीरों के लिए। द सॉलिटरी रीपर इज अ नरेटिव पोएम सेट टू म्यूजिक, दिस फॉर्म ऑफ वर्स इज कॉल्ड वाल्ड, यानी कि इसके हिंदी में होता है गाथा, गीत। द पोएट लैमेंट इन द पोएम द सॉलिटरी रीपर इज दैट, इसका है कवि विलाप करता है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द सॉन्ग, सॉन्ग को समझ नहीं पाए वो। द सेटिंग ऑफ द पोएम इज इन स्कॉटलैंड, द सॉलिटरी रीपर वॉज, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रीपिंग द हार्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट द सॉलिटरी रीपर वाज यूजिंग, यानी कि वह किसका प्रयोग कर रहे थे, किस यंत्र का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ, सिकल। द सॉलिटरी रीपर इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। थैंक यू।